नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहब अली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में कुछ चीजें ऐसी थीं जिसको सबसे ज्यादा बताया गया और उसका प्रचार किया गया। उनमें से एक चीज थी सड़क। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं के हर विषय के लिए भारतीय भवन का नया उपहार। दो वॉल्यूम में परीक्षा के नए पैटर्न, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ रिटन पास ऑल इन वन गेज पेपर। तो दें अपनी परीक्षा की तैयारी को नई रफ्तार रिटन पास गेज पेपर के साथ। और उसी सड़क के बारे में हम आपको ये खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल मुख्य न्यायाधीश खुद ही बिहार की सड़कों का जायजा लेने और उसके हालात को देखने के लिए बाई रोड निकल पड़े, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें गाड़ी बीच में छोड़कर ट्रेन से ही जाना पड़ गया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि मुख्य न्यायाधीश संजय करोल खुद ही जायजा लेने के लिए और हालात से अवगत होने के लिए गाड़ी से गया रवाना हुए। दरअसल ऐतिहासिक शहर गया की जर्जर सड़क पर एक लोकहित याचिका दायर की गई थी, जिसके सुनवाई के क्रम में वो खुद ही हालात का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि सड़क इतनी खराब थी कि गाड़ी छोड़कर ट्रेन में बैठना पड़ गया और पटना लौटना पड़ा। मुख्य न्यायाधीश ने पटना से गया की सड़क की जर्जर स्थिति को बेहद ही शर्मनाक बताते हुए कहा कि जो पर्यटक बोध गया और गया आते होंगे उन्हें क्या समस्या झेलनी पड़ती होगी वो खुद ही बता सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने अपने मौखिक आदेश में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय, अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार, महाधिवक्ता ललित किशोर और नगर विकास विभाग के उच्चाधिकारी को कोर्ट में आकर सही से स्थितियों के बारे में बताने को कहा है। इसके साथ ही साथ इन अधिकारियों को यह भी बताना है कि बोध गया और गया जैसे पर्यटक स्थानों पर किस प्रकार से नियंत्रण होता है। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्य न्यायाधीश खुद ही सड़क का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। दरअसल एक लोकहित याचिका दायर की गई थी जिसमें जर्जर सड़क का जिक्र किया गया था, और जब मुख्य न्यायाधीश निकले तो उन्होंने हालत इतनी खराब पाई कि वो बीच में ही गाड़ी छोड़ करके ट्रेन पकड़ने पर मजबूर हो गए और वापस पटना लौट आए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जब मुझे इतनी ज्यादा परेशानी हुई है तो फिर जो दूसरे देश से या फिर अपने ही देश से जो पर्यटक गया आते होंगे उनकी क्या हालत होती होगी। आप लाइव सिटीजन बने रहिए, देखने वाली बात होगी कि क्या जवाब आता है इस पर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।